दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन सीरीज Redmi Note 11 सीरीज के बारे में। तो Redmi Note 11 Pro Max के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे Redmi Note 11 Pro के बारे में। तो बात करेंगे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस, इंडियन प्राइस और इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। तो अगर आप लोग एक्साइटेड है तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। खैर चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन जो है वो गैस अभी तक रिवील नहीं हुई है Redmi Note 11 सीरीज की, लेकिन जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ इसी तरीके की देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करूँ फ़ोन के फ्रंट साइड के डिस्प्ले की, तो 6.67 इंचिस की आपको फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ में आपको 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो सेम वही डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपको Redmi Note 11 Pro Max में देखने को मिलने वाली है, और पिछली बार जो Redmi Note 10 Pro Max में भी देखने को मिली थी वही डिस्प्ले यहाँ पर भी होगी। तो और जो डिस्प्ले की क्वालिटी होगी वो यहाँ पर टॉप नॉच की आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिंगरप्रिंट इस बार भी आपको साइड माउंट ही देखने को मिलेगा। अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन प्राइस कटिंग के लिए यहाँ पर आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 750G वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो पहले जब मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था, उस वीडियो में मैंने गाइस आपको बताया था कि Redmi Note 11 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 750G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, और अब दोस्तों यहाँ पर लीक्स निकल कर आ चुकी है और इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 750G वाला चिपसेट ही देखने को मिलने वाला है, जो कि 5G है और काफ़ी पावरफुल भी है। तो इस बजट के हिसाब से दोस्तों परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़े लेवल का देखने को मिल जाएगा Redmi Note 11 Pro में। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी होगी, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, Redmi Note 10 Pro में जो बैटरी और फास्ट चार्जिंग आपको मिला था सेम वही फास्ट चार्जिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और कैमराज की बात करूँ तो रियर साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पर 64MP का प्राइमरी कैमरा होगा, 8MP अल्ट्रा वाइड होगा, 5MP मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर होगा, और फ्रंट साइड में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। तो यहाँ पर चिपसेट के अलावा ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको इस बार Redmi Note 11 Pro में देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो बाकी सारे चेंजेस है वो गाइस आपको जो चाइना की Redmi Note 11 सीरीज, जो कि इंडिया में Xiaomi 11 i सीरीज के नाम से आने वाली है, उसमें आपको ये सारे अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों बात करूँ तो ये जो फ़ोन है वो आपको अंडर 20,000 में इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और Redmi Note 11 Pro Max की जो प्राइस होगी वो 20,000 से आपको ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन ये फ़ोन जो है वो आपको अंडर 20,000 में 100% देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लॉन्च डेट की दोस्तों बात करूँ तो Redmi Note 11 Pro Max की जो एक लॉन्च डेट है वो दोस्तों लीक हुई थी 19 जनवरी। तो हो सकता है कि उसी तारीख को दोस्तों ये फ़ोन भी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि एक ही सीरीज़ के स्मार्टफोन है, और हमेशा जो Redmi की Note सीरीज़ के जो स्मार्टफोन आते हैं वो सारे फ़ोन एक ही साथ में लॉन्च होते हैं। तो Redmi Note 11 Pro Max के साथ दोस्तों ये प्रो वाला वेरिएंट भी लॉन्च हो सकता है 19 जनवरी को, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम लोग कह नहीं सकते हैं। लेकिन जनवरी के एंड तक दोस्तों 100% आपको ये Redmi Note 11 सीरीज़ जो है वो इंडिया में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना आप लोग किस फ़ोन का वेट कर रहे हैं, Redmi Note 11 Pro या फिर Pro Max का, नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए थे तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर से जाना, डेली आपको ऐसे ही अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे।